हे गाइस, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आप देख रहे हैं वो मैथ्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। तो ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस थ्योरम को जरूर एग्जाम से पहले कर कर जाना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन दिख रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरम क्या है। तो थ्योरम है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रोन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू पॉइंट्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज़ ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, तो हम लोग बी सी के अकॉर्डिंग अगर डी ई पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है और ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम यही बताता है हम लोग को। ठीक है, जब भी हम लोग किसी एक साइड के थ्रू पैरेलल ड्रॉ करेंगे, मीन्स एक साइड पे हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ सकता है एक नंबर में। ठीक है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखना है, अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, इसमें क्या है, हम लोगों को क्या पता है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कि डी ई बी सी के पैरेलल है। इसके बाद टू प्रूव में जो हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है हम लोग को, ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, यही प्रूव करना था कि जो अदर टू साइड बच जाता है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बी ई को ज्वाइन कर लेंगे और डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ई ई में पॉइंट डी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बना लेंगे और ई डी में पॉइंट ई से परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, 90 डिग्री एल आर एम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एल आर एम, तो ये पॉइंट एम हो गया। ओके, तो कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। देखो ये थ्योरम काफ़ी आसान है। ठीक है, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। इसके बाद क्या किए हैं, एंड ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी या ए बी एंड डी एल परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, लिख लिया कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद मेन पार्ट शुरू होता है, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या करना है, अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है ना, देखो तुमको प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, ए डी बाय डी बी। तो देखो ए डी बाय डी बी कहाँ पर आ रहा है, ए डी बाय डी बी। तो एक बार तुम इस ट्रायंगल को ले लो ए डी ई और फिर डी ई बी। तो देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला ऐसे करके यहाँ से जाके ये, तो ए डी ई को फर्स्ट में लेंगे, क्या करना है, एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तुमको पहले से आता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू। अब देखो अगर ए डी ई ट्रायंगल लेते हैं तो बेस कहाँ पे आ रहा है,
तो हम लोग को बेस उसी को लेना है जिसमें तुम्हारा ए डी आए, ठीक है, क्योंकि यह एक साइड में हमको कितना लाना है, ए डी बाई डी बी लाना है। तो हम बेस अगर ए डी को लेते हैं तो ई एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा ई एम। ओके, इसी तरह और एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। अब देखो सपोज ये बेस है, ठीक है, और तुम्हारा कोई ट्रायंगल ऐसे बनता है, तो ये तो बेस हो जाएगा ए बी सी, ए सी तो बेस हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे बी सी को हाइट नहीं कंसिडर कर सकते, हाइट वही होता है जो बेस के परपेंडिकुलर, तो हम लोग को यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी सी डी, तो बी डी तुम्हारा हाइट होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे उलट के बनाएं ऐसे करें, देखो ये वाला डी ई बी, तो ये लाइन देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल डी ई बी में बेस तो हम ले सकते हैं किसको, डी बी को, हाफ इंटू डी बी, लेकिन हाइट हम लोग डी ई को नहीं ले सकते हैं क्योंकि डी ई क्या है, बेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो बेस पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है, ई एम, इसी कंसेप्ट से आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ई एम। ओके, अब देखो इसको क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है, दोनों को हम लोग को डिवाइड कर लेना है, ए डी ई बाई डी ई बी, तो क्या आ रहा है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम बाय हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। तो यहाँ से देखो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एम एंड ई एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए डी बाय डी बी, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये हो गया फर्स्ट, इसको एक नंबर लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास देखो ए डी बाई डी बी तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, अब हमको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि ए बाई ई सी आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे कि ए बाई ई सी आ जाए, ठीक है, तो अब हम लोग को देखो ये ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा ए डी ई जिसमें बेस ए ई होगा, उसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला डी ई सी, ठीक है, जैसे इसमें क्या किए थे, इस साइड का ट्रायंगल लिए थे, ये वाला ट्रायंगल को पूरा लिए थे, ठीक है, ए डी ई प्लस डी ई बी, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल लिए थे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए देखो ये ट्रायंगल ले लो ए डी ई और डी ई सी, तो उसको ले लेते हैं हम लोग, तो इसको कहाँ करें, चलो इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग इसको लिख लिया होगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं क्योंकि स्पेस का कमी हो रहा है, ठीक है, अब देखो लो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ए आर ट्रायंगल कौन सा ए डी ई इक्वल्स टू, अब देखो इसका अब बेस हमको कौन सा लेना है जिसमें ए ई आए, तो अब हम लोग बेस लेंगे ए ई और हाइट हो जाएगा डी एल, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल, ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी विल बी हाफ इंटू बेस तो हो जाएगा ई सी और हाइट क्या हो जाएगा, डी ई सी में हाइट हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है डी एल, ठीक है डी एल, अब दोनों को डिवाइड कर ले, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ पे क्या किया दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, देखो क्या आता है, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एल, तो इसमें हम लोग को कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा ए ई बाय ई सी, ठीक है, ए ई बाय ई सी आ गया, अब इसको हम लोग एक नंबर डाले थे, इसको डालेंगे दो नंबर, अब देखो अब इसके बाद तुमको एक चीज़ आना चाहिए,
जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे, ठीक है, सेम बेस पे हम लोग कितना भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लें तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। देखो कैसे, सपोज ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हुआ, ए बी ई ये एक ट्रायंगल हुआ, ए बी डी ये एक ट्रायंगल हुआ, हो सकता है इधर और कहीं ट्रायंगल बने, ऐसे एफ ये ट्रायंगल हुआ। देखो सभी का बेस क्या है, ए बी है, और यहाँ से ये दोनों पैरेलल के बीच में ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसके एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट के लिए क्या बताए थे, हाइट बेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सभी के लिए परपेंडिकुलर तो एक ही होगा और बेस भी एक ही है, तो एरिया इक्वल हुआ कि नहीं। कैसे, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ए बी इंटू हाइट, कोई सा भी हाइट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सारे ट्राइंगल के लिए हाइट इक्वल होगा, तो सारा ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम भी है, तो ये तुमको पता होना चाहिए कि व्हेन अ ट्राइंगल इज ड्रोन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो इसी से हम लोग यूज़ करेंगे, सिंस ट्राइंगल कौन सा, देखो यहाँ पे डी बी ई और डी ई सी, डी ई बेस पे बना हुआ है, अगर तुम ऐसे देखो तो ये डी डी ई बी एंड डी ई सी दोनों के लिए बेस सेम है, और बी सी और डी पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो ट्रायंगल है वो ड्रोन है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी बी ई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। कौन सा प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अभी बताया ना, कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच से और सेम बेस से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके एरिया इक्वल होता है। तो लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस डी ई एंड ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल्स, कौन सा, डी ई एंड बी सी, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, देयर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसको तीसरा नंबर। अब देखो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अगर डी बी ई और डी ई सी इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे डी ई बी रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं बोलो, डी ई सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, डी बी ई रख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे डी बी ई प्लेस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये है तुम्हारा ए डी बाई डी बी के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाता है, फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हैंस प्रूव्ड। तो यही हम लोग को प्रूव करना था और यही हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम। तो देखो काफ़ी आसानी से ये प्रूव हो गया, तो देखो याद करने से अच्छा है कि समझ लो इस थ्योरम को, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस करना है, कौन सा मेथड करना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, इसका थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ को समझ लोगे ना तो वहाँ पे तुम इजीली इस थ्योरम को इसके रिजल्ट तक प्रूव कर सकते हो। अगर याद करके जाओगे तो हो सकते हैं भूल जाओ, देखो इसमें भी याद तो करना पड़ेगा तुमको, याद क्या करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, ठीक है, नेमिंग कुछ भी कर लो तुम, बस ट्रायंगल के लिए एक बार दिस ट्रायंगल लेना है और एक बार ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को क्या करो, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लो, मीन्स रेसिप्रोकल नहीं, दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर लो, उसके बाद सेकंड में क्या करो, ए डी ई एंड डी ई सी दोनों ट्रायंगल को डिवाइड कर लो
और तुमको एक ये लगाना पड़ेगा कि जब भी दो ट्रायंगल सेम बेस और दो पैरेलल के बीच में ड्रॉ होते हैं तो क्या होता है, उसका एरिया इक्वल होता है। तो इन तीनों से तुम्हारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और जो समझाने का कोशिश की है वो समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा क्लास तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और इसी तरह हमारे क्लास में आते रहो। हम अच्छी अच्छी बात तुमको और सिखाते रहेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और कम समय में तुम इन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।